हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सनी देव एंड यू नो आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या पढ़े थे, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ पे मौजूद है, क्या क्या मौजूद है, एयर, वाटर, लैंड, बायोस्फीयर, ये सब कहाँ मौजूद है, ये सब मौजूद है हमारे अर्थ सरफेस पे। अब इसी अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस हो गया, लेकिन पूरा ऑल अर्थ की बात करते हैं, होल अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ क्या है, अर्थ पूरा एक स्फीयर की तरह बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, स्फीयर की तरह। और ये जो स्फीयर है अर्थ, ये लेयर बाय लेयर बटा हुआ है, लेयर बाय लेयर बटा हुआ है। तो इस आधार पर क्या किया गया है, इसको अलग अलग लेयर पे बांटा गया है, इसको अलग अलग लेयर पे बांटा गया, यानी कि जो लेयर बाय लेयर बना हुआ है इसको मेनली तीन लेयर में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, मेनली तीन लेयर में। तो वो क्या क्या है, तो वो एक क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल एंड कोर। तो जो अर्थ है आपको कितने लेयर में डिवाइड किया गया है, तीन लेयर में। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये एयर, वाटर, लैंड, बायोस्फीयर, तो ये सब जो हम लोग पिछले चैप्टर में स्टडी किए थे वो किए थे अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस के ऊपर, यानी कि ये अर्थ हो गया। तो अर्थ के ये जो ऊपर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, वो इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जैसे क्या है, एक हम बोल लेते हैं, बॉल के अंदर क्या है, बॉल के बाहर तो देख लेते हैं किस कलर का है, कैसा है, नहीं, लेकिन कभी कोशिश की है ये जानने का कि बॉल के अंदर क्या है, नहीं। जस्ट लाइक ये बल्ब, ये बॉल के अंदर को इंटीरियर पार्ट, तो ये जो है एक हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये पूरा अर्थ है, अर्थ का हम ये एक पार्ट निकाल लिए, ये काट करके हम निकाल लिए। तो जब ये पार्ट काट करके निकाल लिए तो क्या हुआ कि देखते हैं कैसे होता है। देखिए यह क्या कर लिए हम, एक थ्री डायमेंशनल फिगर बना देते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया किसके बारे में, ये ले लिया अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन। क्या ले लिया, अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन में क्या कहता है, इस क्रॉस सेक्शन जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, तो तीन लेयर। तो तीन लेयर क्या क्या है, तो ये लेयर क्या मान लिए, ये पूरा जो लेयर हो गया इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसके बाद जो बीच का लेयर होगा, किसका लेयर होगा, जो बीच का लेयर होगा, इस तरह से ये बीच का लेयर ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। अब जो नीचे का लेयर हो गया इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। अब ये तीनों अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं क्रस्ट के बारे में, किसके बारे में, क्रस्ट। तो जो क्रस्ट क्या है, व्हाट इज क्रस्ट, देन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अभी क्या बताए हम, आउटर मोस्ट लेयर बताए हैं अभी, कि क्या अर्थ को जो इंटीरियर पार्ट है उसको कितने पार्ट डिवाइड किया गया है, तीन। पार्ट वन क्या होता है, जो पार्ट वन की बात करते हैं पहला, तो पहला जो लेयर उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो दूसरा लेयर उसको क्या बोलते हैं, मेंटल, तो तीसरा लेयर क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हुआ आउटर मोस्ट लेयर, ये इंटीरियर की ओर गया है, ये अर्थ का सेंटर ये वाला पार्ट था, देखिएगा ध्यान से, इसको मैंने एक पार्ट निकाल दिया, क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, एक क्रॉस सेक्शन निकाल दिया तो ये इंटीरियर पार्ट हो गया, क्या हो गया, इंटीरियर पार्ट, इनर मोस्ट लेयर। तो सिंपली कह सकते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाएगा, क्रस्ट। अब मिडिल लेयर इज कॉल्ड मेंटल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। क्लियर हो गया। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट अब ऊपर है, तो ऊपर कहीं क्या है, इस तरह से माउंटेन है, कहीं लैंड है, और कहीं पर क्या है, ओशियन है। क्या है, ओशियन। तो ओशियन है तो वहां पर क्या होगा, डेप्थ बढ़ेगा ओशियन का,
माउंटेन रीजन है तो वहां पर हाइट बढ़ेगा, जैसे माउंटेन जहां पे है तो जो क्रस्ट है, अब ये क्रस्ट है ठीक है, ये क्रस्ट हुआ तो यहाँ पर माउंटेन है तो यहाँ पर जो थिकनेस है क्रस्ट का क्या होगा बढ़ जाएगा, ओशन में डेप्थ बढ़ेगा तो थिकनेस कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्रस्ट का थिकनेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो क्रस्ट का थिकनेस है वो कितना है, तो ये 5 to 35 किलोमीटर है, यानी कि जो 5 किलोमीटर, कहीं पर 5 किलोमीटर भी है, कहीं पर 35 किलोमीटर भी है, कहीं पर 20 किलोमीटर भी है, तो इस तरह से जो जो मतलब साइज है वो क्या करता है वेरी करता है, जो डेप्थ जो थिकनेस है क्रस्ट का वो क्या करता है वो वेरी करता है। अब बात करते हैं कि अब देखिए ये पूरा अर्थ सरफेस है, पूरा क्या है अर्थ सरफेस है, तो इसका कुछ ही पार्ट पूरा अर्थ सरफेस है, लेकिन इसके देखो कितना मात्र जो इसका लगभग 6400 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2900 किलोमीटर। मेंटल जो हुआ मेंटल का डेप्थ 2900 किलोमीटर तक है, यहां से 6400, तो ये देख रहे थिकनेस इसका बहुत ही कम है, इसका मात्र लगभग 1% 0.5 समथिंग होता है कि 0.5% जो है 0.5% जो है वो क्या है वो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो है टोटल वॉल्यूम अर्थ का जितना है उसका ओनली 0.5% है किसका क्रस्ट का ठीक है। अब ये क्या होता है जो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट में जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का वहां पे सॉइल होते हैं, क्या होते हैं सॉइल, लैंड है, लैंड जो बहुत सारे लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि लैंड प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है मिनरल्स प्रोवाइड करता है, लिथोस्फेयर से मिलता है, उससे बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क में वर्क लाया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में लाया जाता है, तो यानी कि क्रस्ट को हम बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, क्या बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ सॉइल जो होता है वो कहाँ होता है क्रस्ट पे, और सॉइल जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को लाइफ सपोर्ट करता है, और उस पर बहुत सारे जीव जो है प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, अब क्रस्ट की एक दो इम्पोर्टेंट बात है, क्रस्ट का दो इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, तो जो बताया कि ये क्या है लैंड है, एक तरफ क्या हो गया क्रस्ट में लैंड, एक तरफ क्या हो गया ओशन, तो जो ओशन इसको हम कॉन्टिनेंटल ही बोल सकते हैं लैंड को, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर मोटाई ज्यादा है थिकनेस ज्यादा है, और इसमें मेन रूप से बहुत सारे क्रस्ट में जो है कि बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे हो गया ऑक्सीजन सल्फर क्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन सल्फर सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिका बहुत सारे एलिमेंट्स जो है क्रस्ट में पाए जाते हैं क्लियर। अब इसी क्रस्ट की बात करते हैं, तो क्रस्ट में एक बात आती है कि जो सबसे मेन एलिमेंट है वो सिलिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है सियाल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सियाल, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको बोलते हैं सियाल, क्योंकि CSI स्टैंड्स फॉर सिलिका, SI stands for silica and AL stands for aluminium, aluminium ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि aluminium भी बोला जाए और alumina भी कहीं कहीं लिखा होगा aluminium या alumina, वही हो गया alumina जो है aluminium का ही element है, तो ये silica और alumina, silica continental crust में main elements कौन से पाए जाते हैं, तो हुआ silica और alumina, और जो ओशनिक क्रस्ट है किसकी बात कर रहे हैं ओशनिक, तो ओशनिक क्रस्ट में क्या मिलता है, तो ओशनिक क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा, ध्यान रखिएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोलते हैं सियाल और ओशनिक क्रस्ट को बोलते हैं सीमा, व्हाई बिकॉज इन ओशनिक क्रस्ट मेन एलिमेंट्स फाउंड आर सिलिका एंड मैग्नीशियम, SI स्टैंड फॉर सिलिका और MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब ये वॉल्यूम है,
तो वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी में मेजर करते हैं कि जो इसका डेंसिटी कितना है। डेंसिटी मतलब क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ, एरिया जो है। अब 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो वेट, ये जो थिकनेस है इसका क्या है, कम है, और इसका जो वॉल्यूम है डेंसिटी है क्रस्ट का वो कितना डेंसिटी, तो वो डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का डेंसिटी कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्रस्ट के बाद हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, मेंटल के बारे में। ठीक है, मेंटल बोल रहा हूं, मेंटल नहीं समझना, मेंटल बोला हो गया तो समझ ही गए होंगे, MENTAL, लेकिन यहां पर है मेंटल, MENTALE। मेंटल को क्या बोलते हैं, तो जो मेंटल है वो मिडिल लेयर है। मेंटल क्या है, मिडिल लेयर है। क्रस्ट था सॉलिड रॉक, क्रस्ट जो बना हुआ था वो सॉलिड रॉक का बना हुआ था। मेंटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसमें मैग्मा होता है। क्या होता है, मैग्मा। इसको लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, मेंटल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। तो ये तो समझ में आया कि जो मेंटल है कितना से 35 किलोमीटर से लेकर के कितना किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक डेप्थ तक जो क्या है वो मेंटल है। मेंटल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक अपर मेंटल है एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल आई हो गया लोअर मेंटल। अब क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ये चैप्टर समझिएगा ध्यान से, तब इसके बाद वाले चैप्टर समझ आएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे से क्या होता है कि नीचे जैसे जाते हैं डेप्थ जाते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है। और ये मैग्मा एक लिक्विड फॉर्म है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और ये जो ऊपर नीचे इसको बांटे हैं, जो अपर मेंटल है जो जस्ट क्रस्ट से सटा हुआ है, तो ये होता है सेमी सॉलिड होता है, सेमी लिक्विड बोलो या तो सेमी सॉलिड। यानी कि सेमी सॉलिड का मतलब, सेमी लिक्विड का मतलब हो गया गाढ़ा टाइप का होता है। कैसा होता है, गाढ़ा टाइप का होता है। ठीक है, और नीचे का जो मैग्मा है वो क्या होता है, वो प्योर लिक्विड में होता है। इसका डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी कितना है, क्रस्ट का डेंसिटी था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब ये वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था 0.5%, टोटल वॉल्यूम जो अर्थ का है उसका 0.5%, लेकिन इसका वॉल्यूम है 16%। मेंटल का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, मेंटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 16% है। मेंटल का वॉल्यूम कितना हो गया, 16%, किसका 16%, तो पूरा अर्थ का 16%। मेंटल जो बना हुआ है, मेंटल बना हुआ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सिलिका, मैग्नीशियम, तो ये सब सारे चीजों से बना हुआ है। तो इसमें से भी मेन एलिमेंट क्या होता है, इसमें मेन एलिमेंट है सीमा है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मैग्नीशियम, सिलिका, बहुत सारे एलिमेंट है, बट जो मेन एलिमेंट से, मेन कंपोनेंट से मेंटल का, वो है सीमा। ऐसा ही से अभी जस्ट बताए था कि सिलिका क्या होता है, सिलिका, और एवे से मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। तो ये था कोर के बारे में, किसके बारे में था। अब हम लोग इसके बाद कोर को, सॉरी, ये जो था सीमा किसके बारे में था, मेंटल के बारे में, किसके बारे में था, मेंटल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कोर को भी देख लेते हैं। अब क्या है, अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक डेप्थ कितना हुआ, 6400 किलोमीटर, और ये यहां से कितना था, 2900 किलोमीटर, ये घटा दो कितना बचेगा, 3500 किलोमीटर। और ये कोर, ये रेडियस हो गया ना, ये चारों तरफ घूमेगा, ये अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये चारों तरफ घूमेगा, तो ये जो हुआ क्या हुआ, रेडियस। तो कोर का रेडियस कितना हो गया, 3500 किलोमीटर। क्या हुआ बाबू, रेडियस जो हो गया 3500 किलोमीटर हो गया। और कोर का जो डेंसिटी है बहुत हाई है, कोर का डेंसिटी क्या है, बहुत ही हाई है। इसका डेंसिटी है 9.9 से लेकर के 13 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। कोर का डेंसिटी, कोर जो है क्या है, कोर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसको बोलते हैं एक को आउटर कोर, दूसरे को इनर कोर। तो ये कोर होगा, तो बताओ कि आउटर कोर होगा बाहर साइड में, तो ये सेंट्रल हो गया, लग रहा है यहाँ पर कि ये बाहर है, नहीं ये चारों तरफ से जब घूमेगा सरफेस में तो ये अंदर हो गया। इसको बोलते हैं आउटर कोर। क्या बोलते हैं, आउटर कोर। और जो अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर बोलते हैं, क्लियर है। ये क्या हो गया कि यानी कि लगभग 5100 किलोमीटर के पास जो अंदर वाला पार्ट बचता है वो इनर कोर, और जो बाहर वाला पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर कोर कहा जाता है। इसमें जो मेन एलिमेंट होता है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट है निकेल। क्या है मेन एलिमेंट, निकेल और फेरस। फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है, फेरस का बोलता है आयरन। क्या होता है, आयरन। तो यदि हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नीफे। क्या बनेगा, तो इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। किसको, कोर को नीफे के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्लियर हो गया कि एन आई से निकेल और ये फिर से फेरस, जिसको आयरन बोलते हैं। तो मेन एलिमेंट ये पाया जाता है, तो इस कारण से ये क्या हो गया। आई होप क्लियर हो गया, करस मेंटल कोर। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कि अब जो ये तीनों अलग अलग जो क्या हुआ कि जो लेयर्स है, ये तीनों अलग अलग जो लेयर्स है, इसका क्या यूजफुल है, यूजफुलनेस क्या है, इसका क्या एडवांटेज है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।